हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 21-23 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, कोर्स 9 का, समझे। इससे पहले हम कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम है उसका डाल दिए हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग चैनल पर जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल बीएड क्लास बाय आनंद राज पर, उस पर सर्च कीजिएगा बिहार यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन, कोर्स 8 लिखिएगा, आ जाएगा, समझ गया। सेशन 21-23 के लिए आएगा, समझे। देखिए, अभी भी कोई लोग नोट्स नहीं लिए होंगे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कुछ पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। 9576004401 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स को ले सकते हैं, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, यानी BRABU मुजफ्फरपुर, बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023। सेशन हो गया आपका 21-23, और देखिए एग्जाम भी आपका बहुत जल्द हो जाएगा, इसीलिए पढ़ाई में आप लोग लगे रहिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप आप लोग का होने वाला है, और आप लोग का बहुत जल्द आपका मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक तक एग्जाम हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई में लगे रहिए। तो सेशन 21-23 हो गया, 80 नंबर का पेपर होता है। कोर्स 9 जो है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, समझे। टाइम हो गया 3 घंटा, पेपर का नाम हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग, समझे। अब देखिए, इसमें 5 यूनिट आता है। पिछले बार 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 1 यूनिट गायब कर दिया था यूनिवर्सिटी के कुछ अथी कारण, गलती हो गया था, समझे। तो इस अब 5 यूनिट रहता है, 10 क्वेश्चन रहेगा इसमें से, प्रत्येक यूनिट में 2-2 रहेगा आपको क्वेश्चन, जिसमें से आपको प्रत्येक यूनिट से 1-1 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। चलिए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहेगा ही एग्जाम में आपका, मूल्यांकन से क्वेश्चन, समझे, यानी मूल्यांकन से आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन का वर्णन करें, यानी फॉर्मेटिव और जो समेटिव एवोल्यूशन होता है, क्या होता है, यानी उसका वर्णन करना है, समझ गए। व्हाट डू मीन बाय एवोल्यूशन, डिस्कर्स फॉर्मेटिव एवोल्यूशन एंड समेटिव एवोल्यूशन, समझे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मापन हो गया, आकलन हो गया, विद्यालय आधारित मूल्यांकन हो गया, और चौथा प्रमाणीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षण, समझे, यानी स्टैंडर्डाइज एवं टीचर मेड जो टेस्ट होता है उसके बारे में लिखना है आपको, समझ गए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि मापन, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, तीनों में अंतर बताना, इतना क्वेश्चन कर लीजिए, यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में क्वेश्चन है कि आकलन में विश्वसनीयता, वैधता तथा वस्तुनिष्ठता का वर्णन करें, यानी व्हाट इज रियलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन द असेसमेंट एंड असेसमेंट डिस्कर्स का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए, या इसी में क्वेश्चन आएगा कि इसमें तोड़ के पूछता है कि सीखने के भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक पक्ष का वर्णन करें, समझे, तोड़ के दे, समझे, यानी 3 ब्लूम का डोमेन होता है सीखने का, उसके खोल कर भी देखे, या इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछ ले, समझे। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें, विभिन्न प्रकार के इन प्रश्नों की विशेषता भी बताना है, समझे। या क्वेश्चन इसी को घुमा कर पूछ सकता है आपका कि अति लघुतरीय, लघुतरीय तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें, समझे, और इनकी विशेषता बताना है कौन कौन होता है, तो क्वेश्चन घुमा कर भी पूछेगा, समझे, तो आप कन्फ्यूज नहीं होगा, समझे। अब आते हैं थर्ड में, क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, फिर है कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, समझ गए, यानी CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, समझ गए। और फिर उसके बाद है पोर्टफोलियो, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि वैधता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार का उल्लेख करें, यानी वैलिडिटी क्या होता है, वर्णन करना है, समझे। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में कि बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करें, इसमें मापन से रिलेटेड क्वेश्चन है, या बुद्धि पूछे, व्यक्तित्व पूछे, या रुचि, यही सब वगैरह पूछता है, अभिक्षमता, समझो, अभिरुचि, यही सब पूछता है, तो मापन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है। तो बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करें, बुद्धि मापन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, समझे। अब आते हैं अगला है कि अध्येता के व्यक्तित्व का आकलन आप किस प्रकार से करेंगे, वर्णन करें, यानी हाउ विल वी असेस द पर्सनालिटी ऑफ ए लर्नर, डिस्क्राइब, समझे। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की रुचि के आकलन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले परीक्षण उपकरण एवं क्रियाविधि का बताना है, कौन कौन परीक्षण से इसका हम कर सकते हैं, मतलब टूल्स वगैरह से। आते हैं यूनिट 5 में, देखिए यूनिट 5 में स्टैटिक्स से क्वेश्चन आता है, एक बनाने वाला आएगा और एक लिखने वाला आता है, समझे। तो पिछले बार तो यूनिट 5 गायब ही कर दिया था, तो क्वेश्चन है नीचे दिए गए बरम्बरता सारणी में के आधार पर माध्यमिका एवं बहुलक की गणना करना है, समझ गए। तो लिखा है वर्ग अंतराल,
इसमें दे देगा और बारंबारता आपका दे देगा, फिर इसमें कहेगा माध्यमिका बहुलक मेन मीडियम मोड निकालना होगा, समझे, ऐसे आपका दे देगा, समझ गए। इसका वीडियो भी मिल जाएगा। अगला है नीचे दिए गए कि नहीं 2% शिफ्ट में लिखे ग्रेडिंग पद्धति क्या होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, स्व आकलन, माध्यमिका बहुलक का डिफिनेशन देना है और संचयी अभिलेख, समझे। इतना कर लीजिएगा आपका अच्छा पेपर जाएगा, समझे। फिर अब C10 का जो है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का भी डाल देंगे, उसके बाद ऑप्शनल का, फिर मेथड का भी डाल देंगे और जल्दी कर देंगे, एग्जाम भी आप लोग का बहुत जल्दी होने वाला, समझे। थैंक यू।